हेलो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि आप नीट प्रिपरेशन को क्विट कर देंगे, अगर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। नीट प्रिपरेशन का वो फेज हमेशा मुझे याद रहेगा। मेरे इस जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे, लाइक इसे एक ग्राफ। मैं नीट एग्ज़ाम में टॉप या फिर 650 प्लस मार्क्स नहीं लाया, लेकिन मेरा स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं क्लास टेंथ से, क्योंकि क्लास टेंथ में मुझे पहली बार अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर मिले थे। टेंथ के पहले यानी कि क्लास नाइन्थ तक एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। तो क्या हुआ कि क्लास टेंथ में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। वो क्या है कि क्लास टेंथ में हमारे यहाँ जो जो स्टूडेंट 80% से अबव मार्क्स लाते हैं, उन्हें म्यूनिसिपलिटी और एनजीओ की तरफ से कुछ कुछ अवार्ड दिया जाता है। तो मुझे भी 3-4 अवार्ड्स मिले थे पेरेंट्स के और हजारों ऑडियंस के सामने इतने बड़े स्टेज पर, तो मैं बहुत खुश था। और इस दौरान मेरे डैडी डिसाइड किए थे कि मुझे आगे पढ़ाई का मौका दें। सॉरी टू से बट दिस इज हार्श रियलिटी। मैं जिस टाउन पे रहता हूँ यहाँ पर सबको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर स्टूडेंट क्लास टेंथ के बाद काम में लग जाते हैं, तो इस टाउन में रह के पढ़ाई करने का मौका मिल पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस दौरान मेरे डैडी भी मुझे डॉक्टर बनवाने का सपना मन ही मन में बसा लिया था, लेकिन कैसे डॉक्टर बन पाऊंगा ये ना तो मुझे पता था ना मेरे डैडी को। सच बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। 11th और 12th की पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही किया था एंड 11th और 12th में मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई किया था, जो कि नीट के सिलेबस से काफ़ी अलग था। सो दैट बोर्ड्स में मेरा अच्छे मार्क्स आए। अब बारी थी नीट एग्ज़ाम का और नीट एग्ज़ाम के लिए मेरा प्रिपरेशन एकदम जीरो। सच बताऊँ तो नीट एग्ज़ाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वेमर शीट कैसे भरना है, इनफैक्ट नीट का फुल फॉर्म भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम तो देना है क्योंकि 1500 से फॉर्म जो भरे हैं। तो ऐसे ही घूमते घूमते एग्ज़ाम देने चले गए। तो जैसे तैसे करके मैं नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट देने गया और मेरा एग्ज़ाम बहुत ही गंदा, बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ। मैं सिर्फ 52 क्वेश्चन ही करके आया था और उसके बाद रिज़ल्ट आया जो कि बहुत ही ख़तरनाक था। मुझे मिला सिर्फ, गेस करो कितना, सिर्फ 89। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो था। ऐसे ही घूमते घूमते एग्ज़ाम देने चले गए थे तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ। मेरे ऊपर जो अच्छा स्टूडेंट का टैग लगा हुआ था उसमें दाग आना शुरू हो गया था। उस टाइम पे मुझे काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा था, गिल्टी फील हो रहा था, शर्म लग रहा था, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था जो क्लास 12th बोर्ड का रिजल्ट सबको प्राउडली दिखा रहा था और मैं ही वो बंदा हूँ जो नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट सबसे छुपा रहा था। फैक्ट मैं अपने डैडी से भी छुपा रहा था, लेकिन उन्हें सब पता था। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, समझाया और बोला कि तुम तो ऐसे ही एग्ज़ाम देने गए थे, कोई प्रिपरेशन नहीं था, तो एग्ज़ाम कैसे अच्छा होगा। अगर सही से पढ़ोगे, प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। तो मैंने भी सोचा कि बात तो सही है, सही से नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो मैं तैयारी करने का सोचा, लेकिन मन ही मन में एक डर था कि कैसे होगा विदाउट कोचिंग। तो मैं घर से थोड़ा दूर एक नॉर्मल कोचिंग में एडमिशन लेने के बारे में सोचा, क्योंकि एक मॉडरेट लेवल का कोचिंग और 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स के कारण मुझे वहाँ पर कंसेशन भी मिल गया था और वहाँ पर एडमिशन लेके मैं काफ़ी खुश था। अगर ब्रांडेड कोचिंग में जाते तो फैमिली के ऊपर 2 लाख का बर्डन आ जाता, जो मैं नहीं चाहता था। देन वहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ, हम लोग क्लास करने लगे, लेकिन दिक्कत आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम सोचे कि दिक्कत हम में है। उसके बाद मैं फ्रेंड्स लोगों से पूछा कि तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा है। उन लोगों का हालत भी सेम टू सेम था, उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा रिसर्च किया कोचिंग के बारे में, तो पता चला कि लास्ट ईयर वहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो हम सोचे कि इस बार भी कोई सिलेक्ट नहीं होगा, तो मैंने कोचिंग छोड़ दिया एंड सेल्फ स्टडी का डिसीजन लिया। सो ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा था, क्योंकि कोचिंग भी छोड़ दिया था, सेल्फ स्टडी कर रहा था, कुछ चीज़ें समझ में आ रहा था, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। और टेंशन भी हो रहा था कि 89 से कट ऑफ के उस बात तक इतना बड़ा जर्नी क्या मैं तय कर पाऊँगा, बहुत टेंशन हो रहा था, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा। तो मैं एज ए बैकअप प्लान बीएससी में एडमिशन ले लिया इन आशुतोष कॉलेज, बट मैं डॉक्टर बनने का सपना ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था। देन मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ नीट के लिए सेल्फ स्टडी कर रहा था। एज आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी तो मुझे उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था कि कितना स्पीड में सिलेबस कवर करना चाहिए। तो जैसे तैसे करके 60-70% तक सिलेबस ही कंप्लीट हो पाया था एंड मैं नीट 2018 का पेपर देने गया एंड उस बार मेरा मार्क्स है 335। बट मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त
500 पे गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाता था एंड मुझे लगने लगा था कि मैं कर पाऊंगा, मैं मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूँ। तो मैं फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था एंड लोगों ने मुझे ताने मारने भी स्टार्ट कर दिए थे। देन लोगों ने बोलना भी स्टार्ट कर दिया था, बोल रहे थे कि तुमने कोचिंग क्यों छोड़ा, नीट के चक्कर में तुम्हारा BSc भी डूब जाएगा। एंड आशुतोष कॉलेज में एक फ्रेंड था, उसने कहा था कि नीट के लिए कोटा जाना पड़ता है एंड तुम घर में बैठकर नीट क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर गलती से भी तुमने नीट क्लियर कर लिया तो मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना, यू कैन अडॉप्ट अ डॉग बाय माय नेम, ऐसा बोला था। उस दिन बहुत बुरा लगा था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया था, सोचे थे कि नीट क्लियर करके ही इन लोगों को जवाब देंगे। उसके बाद 2019 का सेशन में मुझे एक स्कॉलरशिप मिला, उससे मैं एक 4G स्मार्टफोन खरीदा था एंड उसमें यूट्यूब में नीट से रिलेटेड वीडियो देखना स्टार्ट किया। अक्टूबर का महीना था एंड अचानक से मुझे बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन का एक वीडियो मिला, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सर साइक्लोस्टोमाटा पढ़ा रहे थे। आज भी मुझे वो फर्स्ट क्लास याद है, सर का पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा था कि मुझे सब समझ में आ रहा था। लेकिन अफसोस हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि मुझे बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन 2 साल पहले क्यों नहीं, अगर 2 साल पहले मिलता तो मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट ऐसे ही वेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर सोचा कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया। दिन में बायोमेट्रिक्स से स्टडी करने का डिसीजन लिया क्योंकि जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो कुछ कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था एंड बायोमेट्रिक्स के वीडियो देखने के बाद मेरे कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे थे एंड डॉक्टर जितेंद्र सर का पढ़ाने का स्टाइल, उनका मोटिवेट करने का तरीका, उनका डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी देखने के बाद मेरे अंदर डॉक्टर बनने का जो ड्रीम था वो और भी इंक्रीज हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सर का लेक्चर वॉज लाइक अ स्टोरी एंड देन आई वॉज एडिक्टेड टू दोज लेक्चर्स। लेकिन मैं सेशन के बीच में बायोमेट्रिक्स ज्वाइन किया था अक्टूबर के महीने पर, तो मैं चाहते हुए भी सारे लेक्चर कम्प्लीट नहीं कर पाया, तो कुछ सिलेबस रिमेनिंग रह गया था। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था खुद से भी और बायोमेट्रिक्स के साथ भी, तो मैं विद कॉन्फिडेंट नीट 2019 का पेपर देने गया। नीट 2019 का एग्ज़ाम दे के आए थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं एंड लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ अपने पेपर मैच किया तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 517 एंड लास्ट ईयर 2018 का कट ऑफ था 478, तो कट ऑफ से मेरे मार्क्स 40 ज़्यादा था, तो लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लास्ट सीट भी मिले MBBS का तो ठीक है, पढ़ लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस बार NTA ने 4 MCQs का आंसर मिसलीडिंग या कन्फ्यूजिंग टाइप में दिया था, तो लास्ट में जो फाइनल आंसर किया था NTA का उसमें 4 MCQs का आंसर उन्होंने चेंज कर दिया, तो मेरा मार्क्स 20 डिडक्ट हो गया। क्या हुआ, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। उस बार वेस्ट बंगाल में MBBS का कट ऑफ गया था 507 और मेरा मार्क्स था 497, तो 10 मार्क्स के लिए मेरा MBBS छूट गया था एंड आई वॉज गेटिंग BDS एट नॉर्थ बंगाल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। सॉरी टू से बट मुझे BDS पढ़ने का कोई मन नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं BDS छोड़ दिया। देन मुझे बहुत बुरा लगा था नीट के लिए, पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था एंड मैं अंदर से पूरा टूट चुका था, आई वॉज क्राइंग फ्रॉम इनसाइड। मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे मेरा बहुत सपोर्ट किया था लेकिन बाकी लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई मेरा बस सुनना भी नहीं चाह रहे थे। मुझे उस वक्त एक लेसन मिला कि अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, तो मैं डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS का सीट लेके सबको अपनी कहानी सुनानी है। तो नेक्स्ट ईयर मुझे BSc एंड नीट दोनों क्लियर करना है, तो मैंने कमर कस लिया एंड प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करी। इन 2019 में 1 जून से जब सेशन स्टार्ट हुआ बायोमेट्रिक्स में, पहले से ही मैं एकदम फुल जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। डेली लेक्चर देखता था, डेली DPP कंप्लीट करता था, रेगुलर टेस्ट देता था। मैं किसी को प्लान नहीं बता रहा था अपना क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखाना था सब, एंड मैंने ठान लिया था कि नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम को फोड़ना है, तो इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। देन कम टू 13th September 2020, द डे ऑफ माई लाइफ, नीट 2020 का एग्ज़ाम देने गए एंड एग्ज़ाम हॉल में एंटर किए हम एंड वहाँ पर मैं बैठ के सोच रहा था कि इस रूम से अगर कोई भी सिलेक्ट होगा तो वो हम होंगे। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आ गया। क्या हुआ कि जिस बेंच पे मेरा रोल नंबर था मैं एग्ज़ाम देने बैठा, लिखना स्टार्ट किया और वो वाइब्रेट कर रहा था क्योंकि टेबल का जो 4 लेग है वो अनइवन था। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर जो एग्जामिनर था वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने लेग्स को फिक्स किया। देन एक और दिक्कत आया, रूम बहुत ही बड़ा था एंड जो वॉच लगा हुआ था वो मेरे से काफ़ी दूर था एंड देन आई वॉज नॉट यूजिंग माई स्पेक्स, तो मुझे टाइम नहीं दिख रहा था।
देन आई वॉज लिटरली स्वेटिंग, मुझे टेंशन हो रहा था कि टाइम नहीं देख पाऊंगा तो टाइम कैसे मैनेज करूंगा। देन मैं सोच रहा था कोई नहीं सुनेगा कि टेबल खराब था, टाइम नहीं दिख रहा था, सब बोलेंगे कि नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो अब आके एक्सक्यूज दे रहा है। दिस इज माई लास्ट चांस, अगर ये मैंने मिस कर दिया तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मुझे और मौका नहीं मिलेगा, कैसे भी करके मुझे एग्जाम क्लियर करना है। तो आई वॉज ट्राइंग टू कम डाउन माई सेल्फ, अपने आप से बात कर रहा था। देन मैं सोच रहा था कि मैं तो घर पे 2.5 आवर पे एग्जाम कंप्लीट कर लेता था, तो नो नीड टू वेस्ट टाइम अगेन एंड अगेन, आई कैन कंप्लीट द एग्जाम इन 2.5 आवर। सो थोड़ा कम डाउन हुआ, फोकस्ड होके फिर से एग्जाम देना स्टार्ट किया, फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना एग्जाम कंप्लीट किया। एंड अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहा था कि इस बार अगर NTA 5 MCQs का आंसर भी चेंज करेगा देन ऑल्सो आई विल बी सिलेक्टेड। देन कम टू द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, नीट 2020 का रिजल्ट आया इन 16th ऑफ अक्टूबर, आई गॉट 580 एंड ये मेरे लाइफ में काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन लाया, इट मेक्स मी मेडिको फ्रॉम नॉन मेडिको एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन इंदापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नाउ आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन दिस कॉलेज। और यही नहीं, इसके साथ साथ मैं 2020 में ही BSc ग्रेजुएट भी बन गया। तो कुछ ऐसा था मेरा जर्नी, एंड इस जर्नी में बायोमेंटर्स की पूरी टीम, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स एज ए कैटलिस्ट काम किया था। दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी, इफ यू फाइंड माई जर्नी इंस्पायरिंग एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई इंक्रीज माई मार्क्स फ्रॉम 89 टू 580, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इन फ्यूचर आई विल शेयर माई टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स एंड गॉट अ गवर्नमेंट सीट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।